ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मत खेलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मैंने बदर घुड़कियां अपनी जिंदगी में देखी है। जितना दम है सारी एजेंसियों को लगाओ, लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूँ, अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं, आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दे, लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मनाए गालियां दो, भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने, लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, LIC को SBI को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया, अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। ये बात एक नहीं 1000 बार तक बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। और ऐसी बंदर घुड़कियां मैंने राजनीति में बहुत देखी है।